Well, with the NCPCR's letter to state governments and union territories on madarsas, to that there is a response coming in from Akhilesh Yadav as he speaks to Times Now and has called it as politics of discrimination. क्या लगता है मदरसे बंद होने से बच्चों का भेदभाव? नहीं, ये सरकार पहले दिन से भेदभाव कर रही है, जबकि इनको मदरसाओं को कैसे अच्छी पढ़ाई हो, कैसे मॉडर्न स्तर के जो और पढ़ाई उसमें शामिल हो। कानून को निकालेगा, मुस्लिम बच्चे जो हैं उनकी एजुकेशन मदरसे में पढ़ते हैं तो उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, अच्छी एजुकेशन तो आप इंस्टीट्यूशन को बेहतर करेंगे कि इंस्टीट्यूशन को बंद कर देंगे? क्या मान लीजिए लोक भवन में काम अच्छा नहीं हो रहा है कि लोक भवन बंद कर दोगे आप? अच्छा, क्या इंस्टीट्यूशन बेहतर करनी है? ये इंस्टीट्यूशंस को बेहतर नहीं, इंस्टीट्यूशन पे कब्जा चाहते हैं और अगर कोई माइनॉरिटी की इंस्टीट्यूशन उसको खत्म करना चाहते हैं। आप बताओ, कन्नौज में सब बंद कर दिया, कार्डियोलॉजी बंद कर दिया, कैंसर का प्राइमरी था वो बंद कर दिया, डेयरी का बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया, जिमनाइजी क्यों बंद कर दिया? तो ये इनकी भेदभाव की राजनीति है, इससे पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं, इन्हें समाज में और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से कोई इंडिया ब्लॉक।